318 पदों पर नियुक्तियों को की गई है। इसी वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियों की कार्रवाई की जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त गृह विभाग के अंतर्गत 6,000 आरक्षकों की भर्ती की कार्रवाई प्रचलित है। अन्य शासकीय विभागों में भी रिक्त पद भरने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप निजी संस्थाओं में रोजगार एवं रोजगार की बड़ी संख्या में अतिरिक्त अवसर निर्मित हो रहे हैं। उद्योग प्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार प्रयास है सचित हो तथा प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास हो। हमारी सरकार उद्योग व्यवस्था को नहीं बनाया गया है विस्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करा रही है एवं प्रक्रियाओं को सहज किया गया है। 3 दिवस में अपना उद्योग प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करने आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, शिक्षित रोजगार पर लाए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राशि 21,865 करोड़ की 381 परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके क्रियान्वयन में से लगभग 60,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। भारत सरकार द्वारा विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जिला भोपाल में बगरोड एवं बेरसिया, जिला सीहोर में बढ़ियाखेड़ी एवं जिलेला, जिला धार में भीलवाड़ा, जिला रतलाम में रतलाम शहर मेगा औद्योगिक पार्क फेज है तथा चावड़ा जिला नरसिंहपुर में नरसिंहपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला कटनी में लमतरा, जिला इंदौर में मोहना औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अंतर्गत 17 प्लस विकसित किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के लगभग 41,000 नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एथेनॉल एवं जैव ईंधन इकाइयों को प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु एथेनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है। रोजगारों को रोजगार देने में यह सरकार पूरी सूचना प्रौद्योगिकी नरो संस्था का विकास निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। प्रदेश के 4 महानगरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में IT पार्कों का निर्माण किया गया है। प्रदेश के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने, इसी सोच की को धरातल पर सरकार के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिमा रोजगार दिवस आयोजन प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से नवंबर 21 से फरवरी 2022 तक 4 माह की अवधि में औसतन प्रतिमा 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए सहायता दी जाएगी। इस वर्ष विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में 28,63,779 व्यक्तियों को 14,556 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सत्य बोल रहे हो, 1 करोड़ के अवसर लेकर तेरे लिए हमारी सरकार ने असत्य भाषण मुख्यमंत्री क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना आदि के माध्यम से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का महाअभियान हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता की नवीन योजनाएं प्रस्तावित है। स्व सहायता समूह, कल ही हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। नारी तू नारायणो, नारायणी के मूल मंत्र से प्रेरित होकर हमारी सरकार नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हमारी मानव की अद्भुत क्षमता है, उन्हें जहाँ भी अवसर मिला उन्होंने अपने भाग को सिद्ध किया। उनके द्वारा निर्मित अनेक उत्पाद किफायती तथा उच्च गुणवत्ता के हैं। विगत लगभग 2 वर्षों से स्वयं समूह ने उद्यमिता का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक
महिलाओं को स्वसहायता समूह से जोड़कर प्रतिवर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराकर उनकी आमदनी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के पोषण आहार सेंटरों के संचालन की बात और अपने हाथ में लेकर महिला स्वसहायता समूह ने यह साबित कर दिया है कि हर काम उनके लिए मुमकिन है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की योजनाओं को बृहद स्वरूप में क्रियान्वित करने के हेतु 1100 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 21-22 के बजट अनुमान से लगभग 141% अधिक है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, हमारी सरकार जहाँ एक ओर औद्योगिक के निवेश को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कई विधाओं में साथ फिल्म शूटिंग के लिए भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों हेतु आकर्षक बनाने हेतु ताजमहल भोपाल, गोविंदगढ़ विमान, राजगढ़ पैलेस, छतरपुर तथा माधवगढ़ सत्ता को विकसित करने के लिए निजी निवेशकों को लीज पर दिया गया है। पर्यटकों को जल क्रीड़ा सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा सागर हेतु लाइसेंस एवं गांधी सागर के लिए LOA जारी किया गया है तथा कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के विभिन्न शहरों से दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, जम्मू तथा हैदराबाद मार्गों पर हवाई सेवाएं संचालित हो रही है। अन्य स्थानों को भी वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में एविएशन टर्बाइन फ्लू पर वेट की दर को अधिकतम 25% के स्तर से घटाकर 4% किया गया, जिससे वायु सेवा के विस्तार में मदद मिलेगी। प्रदेश के इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इंदौर विमानतल के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा भी चालू है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पायलट प्रशिक्षण एवं उद्यन गतिविधियों हेतु निजी संस्थाओं को 11 हवाई पट्टियां निर्धारित वार्षिक शुल्क पर आवंटित की गई है। सर्वजन कल्याण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणा वाक्य लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय से प्रेरित यह बजट समाज के वंचित वर्गों के लिए समर्पित है। प्रदेश के आर्थिक संसाधनों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर वंचित वर्गों के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, जनजाति वर्ग के रोजगार और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस हेतु जनजाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस बजट में एक नई योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश वन औषधियों का खजाना है, इनके संग्रहण एवं प्रसंस्करण के रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। इस दिशा में देवारण्य योजना के माध्यम से औषधि एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना से जनजाति वर्ग का आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित होगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि तेंदू पत्ता संग्राहकों को दिए जाने वाले लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% की जाए। हमारी सरकार ने पेशा अधिनियम के अनुरूप वनों का पारंपरिक प्रबंधन ग्राम सभा को सौंपने का निर्णय लिया है। वन समितियों को काष्ठ से होने वाली आय का 20% उपलब्ध कराए जाने का भी निर्णय लिया है। वर्ष 2022-23 में 15 जनजाति कन्या महाविद्यालय छात्रावासों को नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 6 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित किए जाने का भी लक्ष्य है। विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय भेगा, भारिया एवं सहरिया के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इस वर्ग के युवाओं को आजीविका के नए अवसर मिले, इस उद्देश्य से सोपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। इस समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित है। राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की पंचायतों एवं नगरीय निकायों को अधिक सक्षम व सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार इसे क्रियान्वित करेगी। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 24,911 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 2022-23 के लिए 26,941 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति कल्याण,
अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस बजट में एक नई योजना अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके तथा सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को के कारण उनकी शिक्षा में व्यवधान न हो। इस हेतु विविध स्वरूप की छात्रवृत्ति अध्ययन के दौरान छात्रावासों में आवास व्यवस्था रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के कार्यक्रम को निरंतर रखा गया है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 21-22 का बजट अनुमान 17,980 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 22-23 के लिए 19,020 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाकर समाज की मुख्य धारा में लाने तथा आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम इन वर्गों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में अग्रसर है। इस हेतु पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस बजट में एक नई योजना पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने विद्यार्थियों को हमेशा विविध छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई है। कोविड की परिस्थितियों में पिछले 2 वर्षों में कुछ देयताओं की निर्मित हो गई। इस लंबी देयताओं का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में कर देंगे। 107 इस समुदाय के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पर प्रोत्साहन देने जैसे कार्यक्रमों को निरंतर रखा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को पुरस्कृत करने की योजना भी निरंतर रखी जा रही है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े इस वर्ग के विकास एवं कल्याण की योजनाएं निरंतर विद्यार्थियों को छात्रावास आश्रम की आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजनाएं भी संचालित है। विमुक्त जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सामाजिक न्याय निःशुल्क निःशक्तजन हमारी सरकार द्वारा समाज के निर्धन एवं जरूरतमंद वर्गों जैसे वृद्धजनों निराश्रितों दिव्यांगजनों कन्याओं कल्याणकारी प्रतियोगिताओं आदि के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण वर्ष 21-22 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कन्या विका एवं कल्याण विवाह सहायता योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं हो पाया है। माह अप्रैल 20 के से इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नशा समाज के लिए अभिशाप है। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का संकल्प है कि नशा मुक्ति के लिए प्रदेश के वृहद स्तर पर जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आवश्यक पहल की गई है। प्रावधान किए गए हैं। पूर्व में जनित मुख्यमंत्री जन कल्याण संबंध योजना का लाभ जनता को मिलना बंद हो गया था। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात इस योजना को पुनः लागू किया है। योजना अंतर्गत अब तक 3,29,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,742 करोड़ से अधिक के लाभ दिए गए हैं। अब योजना को वृद्ध किया जाएगा। महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि समाज के वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार धन राशि की कमी नहीं होने देगी। गरीबी से उठा हूँ, गरीबी का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूँ। पांचवा राज्य वित्त आयोग प्रदेश के सर्वांगीण विकास में स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः हमारी सरकार ने नगरी व ग्रामीण निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से पांचवा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर विचार कर प्रदेश के राजस्व में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इन निकायों को वर्तमान में राज्य के विभाजनी कोष की 5% राशि प्रदान करने का प्रावधान है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस भागीदारी को दुगुना कर 10% किया जाए। यह बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022-23 से प्रारंभ कर वर्ष 2025-26 तक पूर्ण की जाएगी।
बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन स्वरूप विभाजनीय कोष से 1/4% राशि उपलब्ध करने का भी प्रावधान किया गया है। पांचवा राज्य वित्त आयोग अनुशंसाओं को लागू करने के परिणाम स्वरूप स्थानीय निकायों को वर्ष 2022-23 में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि 2,562 करोड़ होगी। ग्रामीण विकास हमारी सरकार के आत्मा ग्रामों में बसती है। ग्रामीणों के जीवन यापन से के स्तर को सम्मानजनक व सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश सरकार स्वयं केंद्र सरकार के सहयोग से निरंतर प्रयासरत है। आवास हमारी सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी अन्य अध्यक्ष महोदय शिवराज सिंह हमारे राज्य में यह संकल्प है धरती पर कोई बिना के पास अपना पक्का मकान होगा। इस संकल्प काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 23,50,000 से भी अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण होगा। प्रदेश देश में अग्रणी है। प्रदेश के ऐसे गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता रखते थे किंतु किसी कारण से उनके नाम पात्रता सूची में नहीं जुड़ पाए, ऐसे लगभग 31 लाख हितग्राहियों को अगले 3 माह में आवास दिया जाएगा। इस महाअभियान हेतु हमारी सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान को 4 गुना कर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक प्रावधान केंद्रांश एवं राज्यांश मिलाकर कुल 10,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। 10,000 करोड़ वर्ष 2022-23 के लगभग 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास वितरण किया जाना लगता है। 10 लाख हमारी सरकार न केवल हर पात्र व्यक्ति के लिए अपने घर का सपना साकार कर रही है बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधा स्वयं पूर्ण आवास के अरे थक हो गए भेड़िया थोड़ी देर प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी गाँव के हर थोड़ा रिलेट कर पक्का आवास हम लोग न थकते हैं न रुकते हैं। उस आवास से जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिले। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्राम सड़क योजना माध्यम से 12 मासी संपर्क सड़कों का जाल बिछे। ये सब व्यवस्थाएं पूरे पैकेज के रूप में प्रदान करने का संकल्प हमने लिया है। हमारी सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान कर रही है। प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नगरी निकाय माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में हमारी सरकार का संकल्प है कि हर शहर में मूलभूत सेवाएं जैसे घर घर पीने का पानी सीवेज की व्यवस्था बिजली अच्छी सड़कें तथा स्वच्छ वातावरण हो साथ ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों से प्रदेश के शहरी स्वच्छता परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव आया है। सदन को अवगत कराते हुए मुझे खुशी हो रही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हमारे प्रदेश को देश में तीसरा स्थान तथा इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार देश में स्वच्छता का सर पुरस्कार तथा 5 स्टार रेटिंग के साथ देश के पहले वाटर प्लस शहर होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 9 शहरों के 3 स्टार 17 शहरों को 1 स्टार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 7 शहरों के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। समस्त स्मार्ट सिटी शहरों को एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर संचालित शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी तथा विक्रेता योजना मुद्रा योजना आदि अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। स्थानीय प्रतिभाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने के लिए भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर तथा उज्जैन में स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है। भोपाल व इंदौर में मेट्रो रेल के निर्माण कार्य प्रगति पर है। आम नागरिकों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु पीपीपी मॉडल पर प्रदेश के 15 शहरों में 750 बसों का संचालन किया जा रहा है। अन्य शहरों में लोक परिवहन की सुविधा बढ़ाई जा रही है।
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के ईंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए ईंधन वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल इंदौर एवं जबलपुर में पीपीपी मॉडल पर 217 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के केंद्रों का विस्तार एवं सशक्तिकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी स्वच्छता भारत मिशन, शहरी अमृत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना आदि योजनाएं निरंतर रखी गई है। वन राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के भीतर ग्रामों को एक समयबद्ध रूप से ग्रामीणों की सहमति से अन्यत्र स्थापित किया जाता है। इस हेतु विस्थापन पैकेज की राशि को हमारी सरकार द्वारा प्रति परिवार ₹10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में बिगड़े वनों के सुधार हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने वर्षा ऋतु 2021 में 24,792 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया है, जिसे 1.5 गुना बढ़ाकर वर्षा ऋतु बंद करो 2020 में 37,483 हेक्टेयर वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे वनों में की बेहतर के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के और अवसर प्राप्त हो सकेंगे। शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को ज्ञान, दक्षता, पोषण और संस्कार की वह अनमोल विरासत प्राप्त होती है, जिससे देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति सुनिश्चित होती है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की है। सीएम राइज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन विद्यालयों की लागत ₹7,000 करोड़ से अधिक होना अनुमानित है। सात हजार करोड़ इन विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं, पर्याप्त शैक्षणिक अमला, खेलकूद तथा ललित कलाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने जाने के लिए परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इस बजट में 1,157 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की संगीत एवं नृत्य की कलाओं को बच्चों की शिक्षा का भाग बनाते हुए उन्हें समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए नई योजना अनुपूज्य कलाओं से संबद्ध शिक्षा प्रारंभ की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सन 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों को निरक्षरता अनुकूलन के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रतिभाशाली बच्चों को सही मार्गदर्शन एवं मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के अकादमी एवं कौशलों के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान चलेगी नहीं चलेगी के लिए प्रखर योजना नहीं चलेगी नहीं चलेगी भावना विद्यार्थी जीवन से ही विकसित किए जाने की आवश्यकता है। अतः वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, सामाजिक असमानता आदि का भेद मिटाने के उद्देश्य से समरसता छात्रावासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जहाँ सभी समाज के विद्यार्थी एक ही छात्रावास में मिलजुल कर साथ साथ रह सके। बजट में इस प्रायोजन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 25,953 करोड़ है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 22-23 के लिए 27,792 करोड़। उच्च शिक्षा हमारी सरकार शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन तथा अनेकों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। वर्तमान में 104 शासकीय महाविद्यालय एवं 30 निजी महाविद्यालय, हजारों स्कूल मध्य प्रदेश में बंद कर दी गई, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है स्कूल महाविद्यालयों के लिए गए मूल्यांकन शासकीय माधव विद्यालय उज्जैन को A+ ग्रेड का प्राप्त हुआ। उच्च शिक्षा का प्रदेश में विस्तार करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या अब 40 हो गई है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। 100 उच्च शिक्षा संस्थाओं में सूचना तकनीकी अनुसंरचना सुदृढ़ीकरण अंतर्गत 200 स्मार्ट क्लास तथा 75 कंप्यूटर लेब का कार्य पूर्ण किया जा गया है। विगत कुछ समय में वर्चुअल लर्निंग उपयोगिता प्रमाणित हुई है। हमारे दृष्टि रखते हुए शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था की नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु ₹12,47,00,000 का प्रावधान प्रस्तावित है।
खेल एवं युवा कल्याण महोदय मुझे सदन को अवगत कराते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रदेश में स्थापित अकादमी ने 8 खिलाड़ियों ने प्रतिभागिता की। प्रदेश के विवेक सागर की टोक्यो ओलंपिक की हॉकी प्रतियोगिता में देश को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर फ्री पोजीशन इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बेटी मुस्कान किरार ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप पोलैंड के रिकर्व टीम इवेंट में अमित कुमार ने स्वर्ण पदक अर्जित किया। वर्ष 21-22 में अकादमी के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 व राष्ट्रीय स्तर के 216 पदक प्राप्त किए। आगामी वर्ष में खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रदेश में आयोजन प्रस्तावित है। आयोजन में लगभग 12,000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। जन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर वृद्धि कर देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। यह प्रयास है कि मूलभूत अधोसंरचना के दीर्घकालीन कार्य किए जाएं, जिनका लंबे समय तक प्रदेश को लाभ मिल सके। वर्ष 21-22 में 10 जिला योजना में अब तक 13,53,000 से अधिक हितग्राहियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में जिला अस्पतालों में वेट लिस्ट मॉडल के माध्यम से लेबोरेटरी में 101 प्रकार के निशुल्क टेस्ट सहित कुल 132 प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। सामुदायिक प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केंद्रों में अब एवं अन्य अध्यक्ष महोदय नर्मदा पथ पर सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाए, जो हमारे नर्मदा के कर्मावासी है उनको रुकने का कहीं स्थान नहीं है। निदान के लिए मिशन के रूप में कार्य करेगी, जिससे बजट प्रशासन से प्रावधान प्रस्तावित है। चिकित्सा के लिए उपयुक्त अधोसंरचना के साथ श्रेष्ठ चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महोदय मुझे स्वतंत्र कराई गई है। प्रदेश में जिला अस्पतालों में वेट लिस्ट मॉडल के माध्यम से लेबोरेटरी में 101 प्रकार के निःशुल्क टेस्ट सहित कुल 132 प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। सामुदायिक प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केंद्रों में हब एवं अन्य अध्यक्ष महोदय नर्मदा पथ पर सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाए, जो हमारे नर्मदा के कर्मावासी है उनको रुकने का कहीं स्थान नहीं है। इस निदान के लिए मिशन के रूप में कार्य करेगी, जिससे बजट में प्रशासन से प्रावधान प्रस्तावित है। चिकित्सा के लिए उपयुक्त अधोसंरचना के साथ श्रेष्ठ चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महोदय मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय शोपुर राजगढ़ सिवनी मंडला सिंगरौली नीमच मंदसौर दमोह एवं छतरपुर स्थापित किए जाने का कार्य प्रगतिशील है। शीघ्र ही प्रदेश में शासकीय क्षेत्र के 22 चिकित्सा महाविद्यालय सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रदेश में नए 9 अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी संचालित है। वर्तमान में उपलब्ध 2,035 MBBS सीट को बढ़ाकर 3,250 MSc नर्सिंग के में 50 सीट बढ़ाकर 320 तथा BSc नर्सिंग में 390 सीट बढ़ाकर 810 सीट की जाएगी। आयुष चिकित्सा पद्धति की बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बनाए रखने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन आयुष चिकित्सा परामर्श निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान जीवन शैली में तनाव दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पद पर गठित आनंद विभाग के अंतर्गत आंतरिक सुख व सुकून के कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2021-22 का बजट अनुमान 11,384 करोड़ का था, जिसे बढ़ाकर 2022-23 के लिए 13,642 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। बेटियां परिवार समाज और राष्ट्र का आधार है। वे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा रही है। समाज और सरकार के साझा प्रयासों से बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में अत्यंत
सकारात्मक परिवर्तन आया। लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हुई है। मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व और खुशी है कि आज प्रदेश में हमारी 41 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियां हैं। सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में जन्म के समय प्रति हजार बेटों पर बेटियों की संख्या बढ़कर 956 हो गई है। बेटियों के सपने साकार करने के लिए तथा उनके भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाए रखने के लिए राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार, लाडलियों के उच्च शिक्षा के लिए भी सहायता देगी। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। कोविड महामारी से माता पिता की मृत्यु होने पर अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना लागू की गई है। स्पॉन्सरशिप के माध्यम से 6000 से अधिक बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस बार पत्र से चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है, जिससे 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए योजनाएं एवं प्रावधान एक दृष्टि में ज्ञात हो सकेंगे। साथ ही बालक बालिकाओं पर केंद्रित योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा कारगर बनाए जाने में सरकार को सुविधा होगी। महिला आर्थिक वित्त एवं विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा। बजट में महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के एक नवीन योजना प्रस्तावित, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मां नर्मदा के संरक्षण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया वाली यात्रा है। सुशासन व माध्यम है जिससे विकास को सही गति व दिशा प्राप्त होती है। ग्राम एवं नगर गौरव चन्नी जन्मभूमि मिशन स्वर्गाधिप गरिमई अर्थात चन्नी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होते हैं। जिस माटी में हमने जन्म लिया, शिक्षा दीक्षा ली, जीवन यापन किया, जहाँ से जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त की, उस मातृभूमि की गरिमा में वृद्धि करने और वहाँ के चहुमुखी विकास का संकल्प लेकर कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रदेश में ग्राम एवं नगर गौरव दिवस के रूप में आयोजन की अभिनव पहल की गई है। इस आयोजन से जनमानस में यह भाव जागृत करने का प्रयास है कि यह मेरा गांव है, यह मेरा शहर है, मैं इसके लिए विकास के लिए क्या योगदान दे सकता हूँ। मेरा गांव मेरा देश। गौरव दिवस आयोजन के दौरान उमंग उल्लास और उत्सवी वातावरण में समाज और सरकार मिलकर ग्राम एवं नगर के विकास का रोड मैप बनाएंगे। सांस्कृतिक एवं खेलकूद आदि आयोजन होंगे। जन कल्याण की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। संस्कृति तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व हमारा प्रदेश प्राचीन संस्कृति का पोषक को बाहक रहा है। हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश की सांस्कृतिक गर्व अत्यंत समृद्ध है। संस्कृति जीवन की को रंगमयी बनाती है, अध्यात्म उसे रंगमयी स्वरूप देता है। शंकर शंकराचार्य केशवम भाग रायण सूत्र भाग के क्रतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य को सादर नमन है। ओंकारेश्वर में आदि गुरु की विशाल प्रतिमा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेदांत पीठ की स्थापना प्रस्तावित है। इस हेतु 370 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पूर्व में हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की गई है, जो काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई। इस योजना की अन्य प्रदेशों में एवं राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। हमने निर्णय लिया है कि इस योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः क्रियान्वित किया जाए। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार की परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ से अधिक है, का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस परियोजना से मंदिर के भव्य और विश्व स्वरूप को एक नई आभा प्राप्त होगी। इस बजट में भू अर्जन संबंधी कार्य हेतु आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा भौतिक रूप से प्रदान किए जाने वाली अधिकार पुस्तिका को समाप्त कर दिया गया एवं कंप्यूटरीकृत भू अधिकार पुस्तिका भूलेख पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाना प्रारंभ किया गया है। भू अधिकार पुस्तिका को अब नियत शुल्क अदा करने पर घर बैठे ऑनलाइन तथा लोक सेवा केंद्र व अन्य अधिकृत सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
अल्प समय में ही प्रदेश के 150,000 किसानों द्वारा भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड की गई है। भू अभिलेख के कंप्यूटरीकरण में प्रदेश विगत 2 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है। चालू अभिलेख पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है। पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। अब तक भू अभिलेखों की 4 करोड़ से अधिक सत्यापित प्रति ऑनलाइन जारी की गई है। अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा प्रकरणों के त्वरित निराकरण की सुविधा जन सामान्य को उपलब्ध कराने की दृष्टि से साइबर तहसील की परिकल्पना की गई है। हमारा प्रयास है कि नवीन वित्तीय वर्ष में यह सुविधा प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध हो सके। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के अनुरूप अनुक्रम में मध्य प्रदेश की शासकीय परिसंपत्तियों के समुचित प्रबंधन की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। शासकीय परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को सुस्पष्ट, पारदर्शी एवं त्वरित बनाया गया है। लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन कार्य को गति देने हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का गठन किया गया है। लोक सेवा प्रबंधन हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक की शासकीय व्यवस्था संबंधी समस्या का समयबद्ध एवं उचित माध्यम हो। वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन की निश्चित परियोजना रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम वो सरकार निकम्मी है के माध्यम से प्रदान की जा रही है। सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि कर प्रशासन को व्यवसायियों के लिए सहज किए गए। हमारा प्रदेश राज्य जीएसटी करदाताओं से विवरणी प्रस्तुत कराने में देश में के प्रथम 5 राज्यों में से है। जीएसटी की वापसी प्रक्रिया पूर्ण तक पूर्णगता है। करदाताओं को ई रिफंड की सुविधा उपलब्ध है। इसी वर्ष 21-22 में डीजल पर 4% वेट एवं 1.50 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल पर 4% वेट एवं 2 रुपये प्रति लीटर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वेट की दर 25% से घटाकर 4% किया जाकर नागरिकों को लगभग 2,000 करोड़ की राहत दी गई है। 176 अचल संपत्तियों के पंजीयन के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कतिपय दस्तावेजों के फेसलेस एवं कॉन्टेक्ट विलेस पंजीयन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे पक्षकारों को पंजीयक कार्यालय में आने की उपलब्धता बाध्यता नहीं होगी। आबकारी विभाग की प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण हेतु ई आबकारी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत तरीके से जनजाति समाज द्वारा निर्मित की जा रही है मदिरा के उनके लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए हेरिटेज मदिरा नीति लागू की जा रही है। आम जनता की सुविधा के लिए ऋण प्रकरणों के आई मोथिकेशन दस्तावेजों 1 वर्ष से कम अवधि के किरायनामे बैंक गारंटी के नवीनीकरण एवं एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन हस्तांतरण करने संबंधी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी के अधिरोपण की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली यह प्रणाली वर्ष 2010 से प्रदेश के संचालित है। इस प्रणाली के माध्यम से राज्य शासन के अधिकांश वित्तीय सदव्यवहार हो रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था को अद्यतन कर नेक्स्ट जनरेशन प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके लागू होने पर पूरी प्रक्रिया कैशलेस, पेपरलेस, कॉन्टेक्ट लेस, फेसलेस हो जाएगी। राजस्व, राज्य नीति एवं योजना आयोग योजनाओं की परिकल्पना एवं निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु विश्वसनीय सांख्यिकी के आंकड़े आवश्यक है। राज्य शासन को इस विषय पर कुंडू समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जा रहा है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने तथा शासकीय व्यय की गुणवत्ता को बढ़ाने के संबंध में गठित टास्क फोर्स का प्रतिवेदन राज्य शासन को प्राप्त हो गया है, जिस पर शीघ्र विचार कर आगामी कार्यवाही। माननीय वित्त मंत्री जी, पानी यानी पी लो भैया, मुक्त एवं भय मुक्त समाज के निर्माण की सेहत की चिंता है हम लोग। कानून व्यवस्था को और अधिक चक्कर में पड़े हो, 2 बड़े शहरों भोपाल एवं इंदौर में पुलिस आयुक्त भाई पानी यानी पी लो भाई। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अंतर्गत विभाग को नवीन तकनीकी संसाधनों से युक्त किया जा रहा है। साइबर अपराधों की विवेचना के लिए प्रशिक्षण एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नागरिकों को पुलिस सहायता त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए लागू डायल 100 योजना को और सुदृढ़ किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था, न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए न्यायिक अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। पारंपरिक विवाद प्रारंभिक स्थिति में हल हो जाए, इसलिए लोक अदालत की साक्षरता एवं अन्य सहयोगी जिले की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य के चयनित जिला जेलों एवं उन जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था स्थापित की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि गरीब व्यक्ति संसाधनों की कमी के कारण न्याय से वंचित नहीं रहे।
विकास कार्यों में क्षेत्रीय संतुलन। हमारी सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों को उच्च आयाम तक पहुंचाया है। हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रों का संतुलित विकास हो। हमने प्रदेश के हर अंचल, चाहे वह बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, ग्वालियर चंबल हो, मध्य भारत हो, महाकौशल हो या निमाड़ मालवा हो, सभी अंचलों में सिंचाई योजनाएं, पेयजल की व्यवस्था, बिजली पहुंचाना, सड़कों का जाल बिछाया, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, मेडिकल कॉलेज, अन्य स्वास्थ्य संस्थाएं स्थापित करना, सेम राइट स्कूल प्रारंभ करना, आईटीआई चालू करना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना आदि की योजनाएं संचालित की है। माफ करो, संवेदनशीलता के साथ इस बजट में सभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुलनात्मक रूप से पिछले नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुशासन नहीं चलेगी, कार्यालय व शासकीय सेवा हमारी सरकार ने इस आवश्यकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासकीय कार्यालयों में उपयुक्त लागू करो, उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधान लागू करो, शासकीय भवनों के संधारण वर्ग प्रावधान प्रस्तावित किए हैं। कोविड रोजगार दो में भी हमारी सरकार ने शासकीय सेवा के परिवार के लोगों को तो लेकर 24 बक्से को लेकर आए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है गोबर वसुधा लक्ष्मी, गोमय वसुधा लक्ष्मी। जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बक्सा लेकर सीएम भूपेश बघेल ठीक है जाएंगे वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 13% अधिक अनुमान है। इस बजट में कोई नवीन कर अधिरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। कुल 2022-23 के लिए कुल विनियोग की राशि 2,79,237 करोड़, राजस्व 9,916 करोड़,
तथा पूंजीगत व्यय अंतर्गत 48,800 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 के लिए समग्र रूप से 1,17,000 हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 बोलते बोलते वित्त मंत्री जी को 1.5 घंटा हो गया है। हमको उनके स्वास्थ्य की चिंता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तय कीजिए 2,47,715 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 22-23 की कुल प्राप्तियां 2,49,152 करोड़ तथा व्यय 2,47,715 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन देन 1,000 करोड़ है एवं अंतिम शेष 7,00,000 करोड़ का अनुमान है। राजकोषीय स्थिति अनुसार वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3.5% है एवं ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों को करने पर अतिरिक्त 0.5% की सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। इस दिशा के साथ हम यह अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति प्राप्त वो सरकार की कंपनी है तैयार किया गया है। वर्ष 2022-23 राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ अनुमानित है जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% अनुमानित है। वर्ष में 3,736 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में हमारी सरकार के संकल्प